कुत्ता बिस्कुट पापा का नाम दिया है इसका। बेचारा सारा दिन के बाद आया, हाँ तो हम लोग बलून खा लिए, अभी इसको मिला ये बिस्कुट। नहीं बिस्कुट बहुत अच्छा, जानते मीठा है और दिखने में वो हम लोग बचपन में खाते थे ना लड़ुआ बिस्कुट। तो उसी को बोला जा रहा है कुत्ता बिस्कुट, कुत्ता बिस्कुट। कैसे कुत्ता, कैसे 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 आपको फील हो रहा है ये खा के, बताओ बताओ, इधर देखो वेरी ऑसम। तुम बता ना अभी आवाज कैसे की, बताओ वेरी ऑसम। आवाज कैसा था? के साथ तो मैं अभी से अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आई, बहुत अच्छा ठंडा हवा चल रहा था तो मैं बहुत आलसी हूँ, रेगुलर तो करती नहीं हूँ। तो अभी ये मैदा का जो छिलका है तो उसी का ही मैं ब्रेकफास्ट अभी बना रही हूँ, सो यम्मी ब्रेकफास्ट। तो यही बात है, तो बस इसको सॉस दे के अभी खाएंगे। तो बहुत एक दो ड्रॉप से तेल लगता है, ज्यादा ऑयली का नहीं है ये। और मैं ये जो पैन है तो मैं कल बिग बाजार गई थी तो वहीं पे मैं ये न्यू मेरा पैन हम लिए। तो बस क्योंकि नॉनस्टिक का अलग सा जो पैन था मेरा वो थोड़ा सा खराब हो गया गाइस, तो इसलिए मैं ये ली और उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बस आए गए घूमे सामान लिए और आ गए। तो अभी इसका ब्रेकफास्ट का एंजॉय करेंगे तो यही बात है। और हाँ मैंने यहाँ पे खड़ा रखा है, इतना ठंडा पानी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब पीने में ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है एंड गला भी बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। यहाँ से जो ठंडा ठंडा पानी जा रहा है तो बहुत कूल लग रहा है, यही बात है। रेडी एंड थोड़ा देर के बाद मैं पीऊंगी चाय, तो यही बात है। ब्रेकफास्ट पे एंजॉय करती हूँ। भरा है ना तो ये स्नेहा का ड्यूटी है, ये वो भर के रखा है तो यही बात है। इसका पानी इतना ठंडा मैं आपको बोल के फील नहीं करती, करवा सकती, मतलब इतना ठंडा इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बहुत मीठा पानी है। दीजिए तो मिल गया मेरा पर्सन, देखते क्या आते हैं, क्या आया है, क्या आते हैं। मेरा कुछ ना कुछ ऐसे आते ही रहता है, मुझे याद नहीं रहता कि हम क्या मंगाए, सही है हमको नहीं पता क्या हम। मेरे को पता है क्यों लग रहा है, मेरा सामान आया। हाँ ये लगता है स्नेहा ही मंगाई होगी, स्नेहा का मतलब बाप रे बाप कितना ये लोग टाइट से। नाश्ता खाए ना इसलिए शरीर में इतना तागा दागे। ओके तो ये आया है चॉपस्टिक्स स्नेहा का, बोले ना हाँ मेरा भी, तो ये है चॉपस्टिक्स, यही बात है, ये आ गया। बाकी का नाश्ता मेरा बाकी है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया। स्नेहा जाके चाय बनाओ, हम चाय पियेंगे। हाँ चॉपस्टिक्स है। आवाज कैसे कर रहे हैं, झुनझुना जैसा
बच्चा लोग खेलता है। ये मेरा पता है चौथा चॉपस्टिक है। पहला चॉपस्टिक हम बैंकॉक से लाए थे, दूसरा ऑनलाइन वगैरह। चॉपस्टिक से स्नेहा वहाँ पे जाके बहुत कोशिश किया, करते 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 एकदम एग्जैक्टली सीख भी गया और फिर मुझे भी सिखाया था। और उसके बाद भी घर में बहुत पड़ोसन को भी सिखा के, पड़ोसन को भी इतना एक्साइटमेंट थी। पड़ोसन के भी ये सिखाए वहाँ से आने के बाद। खोल के देखे सिंह? हाँ, I guess ये स्टील वाला है ना इस बार। हाँ, स्टील का है। हे राम रे, बनाया मेरा काम। चले जाएंगे नवरात्रि में लेके इसको। मैं एसी को ऑन कर दी हूँ तो थोड़ा आराम मिला। तो सब्जी वगैरह सब काट लिए हैं तो अभी जा रहे हैं खाना बनाने। मैं बैठा दी हूँ तो लंच बनाना मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी लंच में बना रही हूँ आलू परवल का सब्जी एंड देन खसी का थोड़ा मीट है तो वो मटन जो है थोड़ा रखा हुआ है फ्रिज में तो खाते वक्त गर्म कर लूँगी एंड झींगा पोस्तो जो है वो भी है तो वगैरह वगैरह तो सब मिला के हो जाएगा। और गर्मी का टाइम है ज़्यादा कुछ खाने में मन नहीं लगता है तो थोड़ा देर में मैं कटूँगी फ्रूट्स। तो बस यही बात है। तो मैं खाना कैसे बना रही हूँ वैसे शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, जो जो बन रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं फटाफट से बना लूंगी सब्जी तो एंड उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी और कपड़ा लगता जो है जो जितना कपड़ा है वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ। तो सामने धूप का जो सूर्य मामा है वो एकदम ऐसे करके है तो छत में जाने की कोई जरूरत नहीं। सामने एक कॉरिडोर में बिछा दूंगी तो आराम से सूख जाएगा एक घंटा में क्योंकि वॉशिंग मशीन में ड्रायर होके निकलता है। तो यही बात है तो बस झटपट करके कर लेती हूँ जो रेगुलर बेसिक काम है वही रोज जो होता है एंड मैं ढेर सारा ऑयलिंग की हूँ सरफेस। यही बात है। ये लेमन वाटर गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा नमक दे के पीने से। तो थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा नमक दे के ये लेमन वाटर 3 ग्लास हम बनाए तीनों के लिए, मैं मेरे हस्बैंड और हम पियेंगे अभी ये लेमन वाटर। तो गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगा एंड एनर्जी भी मिलेगा। तो लेमन वाटर का एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या करेंगे, ज़रूरत ही है गर्मी में। बहुत अच्छा लगता है, इतना गर्मी गिरा है कि क्या पता है। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज लंच में मैं क्या क्या बनाई। तो बैक कैमरा करके दिखाते हैं। यहाँ पे राइस अभी हो रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ है मूंग का दाल, देन ये है आलू परवल की सब्जी, ये है डाटा चौचुरी, ठीक है पुई साग आलू बैगन कोड़ा दे के डाटा का चचड़ी, ये है झींगे पोस्तो एंड ये है मटन। बन रही है और पपी सो रहे हैं तो बहुत अच्छा हवा दे रहा है बाहर में। और अभी अरे बाप रे उड़ा के ले जा रहा है हवा। और 4:05 हो रहा है, ठीक है इतना टाइम हो रहा है इवनिंग का। तो मैं एक बार फिर शावर ली और मैं ये ड्रेस को पहनी। देखिए ये वन पीस ड्रेस है सो काफ़ी सुंदर है एंड ये क्लिप भी बहुत सुंदर है। तो मन हुआ बस हम मेकअप वकअप कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे सनस्क्रीन लगाए, हल्का सा पिंक सा एक लिपस्टिक लगाए और कान में कुछ नहीं पहने, लेकिन कान के ऊपर में जो है दोनों कान में ऐसे पहने हुए हैं। दोनों कान में मतलब एक ही कान में पहने हुए हैं, वो छेदा किए थे तो वो दो पहने हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं पहने। तो यही बात है। तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है ना बाहर में एंड वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है। काफ़ी देखिए आसमान है ना, आसमान भी बहुत अच्छा है। घर का स्ट्रिक्ट डॉग है बट पहाड़ा बहुत देते हैं। और यहाँ पे आ गया पानी पीने, तो पानी प्यास लगा। चलो 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 आओ आओ आओ, नल खोल देते हैं। आ रे कुछ लो आओ, आजा 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 आजा। हाँ पीते हैं, आजा आजा आजा। जैसे ट्रेनिंग दीजिएगा वैसा होगा, चाहे घर अगला फुजू। अरे बाप रे जिम्नास्टिक दिखा रहा है, ए पागल फुजू आ फुजी।
यही है कि सिर्फ भात रोटी भात खाता है लेकिन रोटी तो बिल्कुल नहीं खाता है। सिर्फ इसको क्या पसंद है पता है? ब्रिटानिया बिस्किट्स। जाओ घूम के आओ, जा अपना गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला गया है अभी। टाटा। ये है स्नेहा जो उठ के अभी आई, महान काम कर दिया उठ के आई तो। कितना अच्छा हवा दे रहा है, बहुत देर से तुमको बोल रहे बाहर आओ, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम तीन चार को रील्स बनाए, भाभी को लेके गए, अब फूजी के साथ भी बनाए। अब वो इंस्टाग्राम में कमेंट मत कर देना कि कोई कुत्ता के साथ बना रहा है। कुत्ता के साथ क्या बना रहा है, हंसी नहीं आ रहा है पता है? तुम वो रील्स देखोगे तो हंसी आएगी। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुन क्या कहती है दीवानी दिल की धड़कन। तू मेरा हाँ तू मेरा हीरो नंबर, फूजी को हम बोल रहे थे डॉगी को, तू मेरा हीरो नंबर वन। ओह आज हवा चल रहा है तो घर के बाहर ही है, और छत में जाएंगे ना एकदम ऊपर में तो बहुत अच्छा सीनरी आएगा। ये तो बात सही है लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। अरे सोच के ब्लॉग नहीं ना करती हूँ, क्या करूँगी इसके बाद। अच्छा ये फ्रूट्स नहीं काटी इसने? हाँ फ्रूट्स नहीं काटी आज, काटो। चलो पपीता है और वाटरमेलन है, ठीक है चलो। ओके तो अभी हम फ्रूट्स काटेंगे और सब मिलके खाएंगे। थोड़ा सा वाटरमेलन और थोड़ा सा पपीता उसको काटेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और ये सब गर्मी के समय खाने में ना बहुत अच्छा होता है। स्पेशली स्नेहा को बोलते हैं कि ये सब खाओ। अरे वाटरमेलन और दही का अगर शरबत बना लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्या कहते हो स्नेहा? कौन सा वाला तुमको परफेक्ट लगेगा बताओ, ऐसे खाने में या इस तरह से काट के खाने में, मतलब थोड़ा सा ब्लैक नमक दे के, ना कि इसको अगर हम जूस बना देते हैं दही से, कौन सा? दोनों ही बहुत टेस्टी है। हाँ दोनों ही ठीक है, तो क्या बोलते हो? नहीं ए क्या बोलती तू, सुन मतलब सुना, बोल रहे हल्के बोलना टिकटॉक में था ना हल्के, स्नेहा वैसे ही हल्के हल्के बात करता है दादा। हम जितना बोले जा रहे स्नेहा सिर्फ कैमरे में हमको वीडियो बनाती है। बोलो स्नेहा क्या कैसे खाओगी? अभी ओके। फ्रूट्स में मैं क्या कह ली हूँ देखिए, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, एंड देन पपीता है, और यहाँ स्नेहा चॉपस्टिक से खा रहे हैं। जो सुबह में नहीं आया चॉपस्टिक्स तो वही, और हम बेडशीट उठा दिए हैं, वॉशिंग मशीन में दिए हैं, तो यही बात है। चॉपस्टिक्स से ही तो खा रही है, वही तो बोले कि सुबह में आया चॉपस्टिक्स तो उसी से ही खा रही है फ्रूट्स। बोला हॉकर नूडल्स मेरा कहाँ गया, रखे थे तो बोले मम्मी वो बना दो, अरे पहले इसको फिनिश करो उसके बाद। फ्रूट्स चॉपस्टिक से खा रही है, मतलब बच्चों को इस टाइप से इनकरेज करते हैं फ्रूट्स खाने के लिए। देखिए बच्चों को इनकरेज करना पड़ता है, अब बच्चे के मम्मी ऐसे ही खा लेता है, बच्चे के मम्मी को कौन इनकरेज करेगा, वो सब कुछ खा लेता है। जैसे कि मैं मम्मी को कोई स्टाइल नहीं है, हाथ से उठाओ मुंह में डालो, बस पेट में जाने से मजा है, ठीक है खा रही है यही बहुत है। और ये सब जो काजल वगैरह देख रहे हैं ना, ये मैं इसीलिए लगाई, जमीन पे बैठे बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई ठे तो वही इंस्टाग्राम में रील बना रहे, तो यही बात है। मन जो भी करता है ना गाइस, जिस टाइम में करे, चाहे वो रात के 1 बजे हो या सुबह 5 बजे हो या 3 के 3 बजे या कोई भी टाइम हो, कभी भी जो मौका पे चौका मल लीजिए, जब भी कोई इच्छा करे
बस इच्छा को पूर्ण कर लीजिए, चाहे जैसा भी हो, घर में रहे बाहर में रहे, जैसे भी हो, लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, क्योंकि जीने के है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। जो मुझे अच्छी तरह से जान रहे हैं, मेरा ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह से जान गए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं वो भी ऐसी, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सब दोस्त लोग ऐसे रहे, अच्छे से रहे, एंजॉय करे लाइफ का, ज्यादा टेंशन वेंशन लेने का नहीं है, खाओ पियो एंजॉय करो और मस्त रहो मेरी तरह। बेचारा सारा दिन के बाद आया, हाँ तो हम लोग बलून खा लिए, अभी इसको मिला ये बिस्कुट नहीं, बिस्कुट बहुत अच्छा, जानते हैं मीठा है और दिखने में वो हम लोग बचपन में खाते थे ना लड़ुआ बिस्कुट तो उसी को बोला जा रहा है कुत्ता बिस्कुट, कुत्ता बिस्कुट कैसे कुत्ता कैसे 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 आपको फील हो रहा है ये खा के, बताओ बताओ, इधर देखो बता ना अभी आवाज कैसे की बता आवाज कैसा था उबाल दिया है, ठीक है, तो उसका कुछ सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा बेसन को पकोड़ा जैसे होता है हल्का फ्राई कर लिए, तो वो धावा वाला स्टाइल का नहीं होता है सब्जी, तो कुछ उसी स्टाइल से करेंगे, और चॉपर में चॉप कर लिए सब कुछ, तो उतना कुछ क्या दिखाएंगे, और बर्तन उतन धोए ना तो थोड़ा सा नाइटी मेरा भीग गया अब उधर में क्यों है आपका फेस, फेस क्यों उधर है फेस उधर मैं देख के हंसी आ रहा है देखो सारा दिन के बाद आपको ब्लॉग में दिखा है, को क्या सोचे सुबह से इतना अच्छे से ब्लॉग बना रहे फल खा लेता है जहां हम आते हैं तब कुछ वाला बिस्कुट नहीं गाइस ये ड्यूटी जाता है पूरा फल लेके जाता है, ऐसा बात है टिफिन एक बॉक्स में फ्रूट्स ले जाता है, उसके बाद शाम को नहीं खाए तो हम लोग सारा दिन आज खाने का मौका नहीं मिला, फिर शाम के 4 बजे 4:15-20 में उस समय हम फ्रूट्स काटे जल्दी शाम हो गया, हम क्या कहेंगे, काम करते करते ऐसे हो जाता है, काम करे ना करे लेकिन हो जाता है, बाहर रोटी देना बाहर ही खाने जाएंगे चाय लेके चाय मेरा वाला यहाँ पे कुत्ता वाला बिस्कुट खाने के बाद थाला नहीं मिलता है, थाला क्या जरूरत है, दीदी आ गई है, आज रोटी नहीं बनाना है सपना नहीं, कुत्ता बिस्कुट पापा का नाम दिया है इसका, इतना टेस्ट है खाने में, अब आपको कैसे लग रहा है चाय के साथ ओ, ये आ गया मेरा रानू मंडल, देखिए रानू मंडल जैसे दिखने में, तेरी मेरी कहानी, तो चाची आ जाते हैं, बहुत प्यारे हैं ये चाची, और थोड़ा सा ऑल मैसेज कर देता तो मुझे बहुत 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 ज्यादा सुकून मिलता है ना चाची, हाँ बात बहुत करता है लेकिन अभी यहाँ पे मुंडी हिला रहा है तो मैं झटपट करके रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा ऑयल मैसेज कर देती हूँ, ठीक है, तब उसके बाद मिलता है, देखिए हो गया। सो जस्ट मेरा अभी मैसेज कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छा फील हुआ सही में गाइस, और अभी जस्ट 10 बज रहा है तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि वो नेचर का जो हवा होता है ना तो मुझे बहुत पसंद है, और हम चना और आलू फुला के रखे थे तो वापी ना सब्जी तैयार कर लिया है, तो आएंगे और रोटी जो है वो घी में हम थोड़ा सा भूज लेंगे, बस 2-3 रोटी भूज लेने से हो जाएगा, थोड़ा सा चूड़ा भूजेंगे वो भी स्नेहा भूजेंगे, तो बस वही हम लोग का आज डिनर हो जाएगा। पापी ने सब्जी बना दिया है, ये जो बेसन का जो
फुलड़ी जो होता है ना वो, और ये चना का सब्जी। तो ऑसम बना गाइस, बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब्जी ना भाभी बहुत अच्छा बनाता है। बस इसके साथ चूड़ा अगर भूज लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और दो तीन रोटी है जो घी में मैं थोड़ा सा भूज लूँगी। हाँ, स्नेहा चूड़ा भूज रहे हैं और उधर सब्जी मैंने गर्म करने के लिए ऑसम हुआ है सब्जी, लेकिन वो भाभी ने किया। और ये मेरी इधर देखो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोचो। कॉपीराइट कैसे आएगा, हम अपना गला से गा रहे हैं, अपना गला, खुद का वॉइस, खुद का वॉइस है मेरा, खुद का वॉइस। तो स्नेहा यहाँ पे चूड़ा भूज रहा है, तो यही हो जाएगा आज हम लोग का डिनर, डिनर। ओके, जिसका आया आया। ए गाइस, एक चीज पता है, अभी तो घूम के आए तो अभी स्नेहा खाना मतलब डिनर के लिए तैयारी कर दे रहा है। तो जानते हैं आज हम कुछ ब्लॉग देख रहे थे, मतलब देखते देखते ऐसे तो देख रहे थे कि कोई बंदा ऐसा है कि कपल थाईलैंड जो है ट्रिप दे रहा था। तो हम लोग ऐसे ना 3 साल पहले गए थे, तो सेम टू सेम सब कुछ है एकदम वैसे ही। तो मतलब फील कर रहे थे वो चीज, इतना अच्छा जो ट्रिप हम दिए थे ना, इतना अच्छा लगा था वो। सडनली हम लोग प्लान करके एकदम निकल गया था, वो भी रात में, याद है स्नेहा? याद है, आज मजा आया था ना वो वाला ट्रिप, कितना मजा आया था सही में। कोविड के बारे में कहीं नहीं गए ना हम लोग, कोविड के बाद कहीं नहीं गए, कहाँ कहाँ जाएंगे। 25 तारीख से स्नेहा का युद्ध शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम, यही बात है। हम लोग तो खाना पीना खाएंगे, हम लोग खाएंगे, पेट भरेंगे और क्या। आप मतलब टाइम बहुत हो गया, अभी ना 11 बजने लगा, तो अभी हम ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। तो एक दिन मिलते हैं, दूसरे दिन में मिलते हैं, एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू दिन के साथ, यही बात है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट और लव यू जॉल।